इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे रोड मैप फॉर नीट 2025। इस साल उनकी कट ऑफ बढ़ने लगा है, अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जब आप किसी टारगेट पर कंसिस्टेंट रहोगे तो एक ना एक दिन आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे। 100% फोकस के साथ आपको लेक्चर अटेंड करना है और लेक्चर के साथ साथ आपको क्लास नोट्स भी बनाने हैं। जिस दिन कोचिंग ऑफ होगा उस दिन आप अपने सेल्फ स्टडी को बढ़ा सकते हो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है नीट 2025 के लिए। जब आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो आपको बूस्ट करेगा। जब आप बूस्ट होगे तो आप लंबे समय तक मोटिवेट रहोगे। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ उमर अहमद गनाई, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे रोड मैप फॉर नीट 2025। हर कोई चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होंगे कि आपको कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, बैकलॉग को कैसे ओवरकम करना है, सेल्फ स्टडी कितने आवर्स करने हैं, टेस्ट कितने दिनों के बाद देना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप देखोगे कि नीट 2024 में हर किसी कोचिंग सेंटर के 10-12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 700+ स्कोर किया है, तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो पहले क्या होता था, पहले AIQ के थ्रू आपको 620-630 पर आपको आराम से एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था। तो अब इस साल क्योंकि कट ऑफ बढ़ने लगा है, अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बढ़ते हैं और कंपटीशन भी बढ़ता है। तो आपको अब माइंड में यही रखना है कि हमें 700+ स्कोर करना है नीट 2025 में, तभी आप स्कोर कर पाओगे 650-680, तभी आप स्कोर कर पाओगे। अगर आपने पहले ही सोच कर रखा है कि हमें 700+ स्कोर करना है, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है नीट की जर्नी में वो क्या है, वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब आप किसी टारगेट पर कंसिस्टेंट रहोगे तो एक ना एक दिन आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे। फिर आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपके पास कितना IQ है, वो मैटर नहीं करता। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, अगर आप अपनी जर्नी के साथ कॉन्स्टेंट रहोगे तो आप आराम से नीट क्रैक कर सकते हो। तो आपको बस अपने जर्नी के साथ कॉन्स्टेंट रहना है। ये नहीं करना है कि एक दिन 7 आवर्स पढ़े हैं तो दूसरे दिन 3 आवर्स पढ़ने, बस आपको अगर आप 4 आवर्स भी हर दिन पढ़ोगे तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, तो तभी आप अचीव कर लोगे अपने टारगेट को। अगर आप कोचिंग को 6 आवर्स दोगे तो सेल्फ स्टडी को 6 आवर्स दोगे तो ये सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि ये बनते हैं 12 आवर्स। हर दिन आपको मतलब कोचिंग को आपको 6 आवर्स देने और सेल्फ स्टडी को आपको 6 आवर्स देने। अब कोचिंग के 6 आवर्स में आपको क्या करना है, पहले आपको 100% फोकस के साथ आपको लेक्चर अटेंड करना है और लेक्चर के साथ साथ आपको क्लास नोट्स भी बनाने हैं, और जो आपको टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है क्लास में, टीचर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो ये आपको इन 6 आवर्स में करना है। और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि ये क्या पढ़ाएगा, हमें इसे ज्यादा आता है। हर टीचर, सभी जितने टीचर नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, हर कोई टीचर बेस्ट है। यानी हर कोई टीचर यही सोचता रहता है कि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ेगा वो सिलेक्ट होना चाहिए नीट में, तो हर टीचर यही सोचता रहता है। तो हर कोई टीचर है वो बेस्ट है। जिस दिन कोचिंग ऑफ होगा उस दिन आप अपने सेल्फ स्टडी को बढ़ा सकते हो, 8-10 आवर्स कर सकते हो जिस दिन कोचिंग ऑफ होगा। अब हम डिस्कस करेंगे बुक्स टू बी फॉलोड, कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं। तो फिजिक्स के लिए देखो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साल का पेपर देखोगे, नीट 2024 का अगर आप पेपर देखोगे, तो उसमें बहुत सारे AI क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। तो इसीलिए अब एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है नीट 2025 के लिए भी, और DPP करने हैं, और जिस कोचिंग से आप पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल करने हैं और PYQ साथ साथ करने हैं। केमिस्ट्री में भी आपको NCERT भी करनी है, DPP और मॉड्यूल, और बायो में NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और NCERT बेस्ड क्वेश्चन करने हैं बायो में। सेल्फ स्टडी के जो 6 आवर्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, देखो जो क्लास वर्क में आपको आएगा, एक तो DPP, एक तो क्लास नोट्स आएंगे, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा काम करना है कंसेप्ट बिल्डिंग पर, तो 2 आवर्स आपको इसको देने हैं। क्योंकि अगर आपने क्लास में अच्छे से लेक्चर को अटेंड किया होगा, यानी टीचर को अच्छे से सुना होगा, तो 2 आवर्स सफिशिएंट है क्लास नोट्स को रिवाइज करने में। और DPP तो हर दिन आपको एक एक DPP मिलेगा एक एक सब्जेक्ट का, तो आराम से 2 आवर्स में हो जाएगा। और 2 आवर्स
फिगर्स आपको जितने भी आपको बैकलॉग हैं उन पर लगाने। अब क्योंकि नीट की जर्नी बहुत लंबी जर्नी है, इसमें बैकलॉग आते हैं, तो जो 2 आवर्स इसमें आपको बैकलॉग क्लियर करने हैं, या अब जिस स्टूडेंट्स की आप बैकलॉग नहीं होगी तो वो इन 2 आवर्स को यूटिलाइज कर सकता है इन रिविजन पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। अब जो और 2 आवर्स है उनमें आपको रिवाइज करना है, जो आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, 11th का आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, जैसे 12th के जब आप 12th पढ़ोगे तो ऐसे ही उसको भी रिवाइज करना है। आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के। कुछ स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि 1 महीने फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर 2 महीने बायो पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हर दिन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। मगर आपको देखो आप क्या कर सकते हो, आप अल्टरनेट डे में एक दिन केमिस्ट्री बायो, एक दिन फिजिक्स बायो, एक दिन ऐसे केमिस्ट्री बायो पढ़ सकते हो। तो अल्टरनेट डेज में आपको पढ़ना है, ये नहीं करना है कि 1 महीने आपने फिजिक्स पढ़ी है 1 महीने केमिस्ट्री। तो आपको अल्टरनेट डेज पे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अकॉर्डिंग टू कोचिंग जा सकते हो, जिस भी दिन आपको अपनी कोचिंग टेस्ट ले रहा है तो उस टाइम आपको देना है, आप मैक्सिमम 14 डेज के बाद आपको टेस्ट देना ही देना है, चाहे वो फुल टेस्ट हो चाहे वो पार्ट टेस्ट हो। अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना। देखो सपोज आपको टेस्ट हर 14 डेज के बाद देना ही देना है, तो आपको क्या करना है, जो 10, 11, 12 और 13 जो 4 डेज हैं, तो इन 4 डेज में आपको सिर्फ टेस्ट का सिलेबस पढ़ना है, पूरी तरीके से 6 आवर्स जो सेल्फ स्टडी के हैं वो आपको डेडिकेट करने हैं टेस्ट के सिलेबस पे। अब आप ये सोचोगे कि इन 4 दिन में जो क्लास वर्क होगा तो वो हम नहीं कर पाएंगे, तो वो बैकलॉग क्रिएट होगा। फिर आप जो बैकलॉग क्रिएट हुआ है उसको आपको कैसे क्लियर करना है, देखो फिर आप इन डेज में उसको आपको क्लियर करना है जो 2 आवर्स बैकलॉग के लिए हैं, तो इन 4 दिनों का बैकलॉग आप उन 2 आवर्स में बाकी इन 10 डेज में कर सकते हो। तो आपको ऐसे आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो आपको बूस्ट करेगा, जब आप बूस्ट होगे तो आप लंबे समय तक मोटिवेट रहोगे। इसीलिए इन 4 डेज में आपको टेस्ट पर इन्हें सारा 4 डेज आपको यूटिलाइज करने हैं टेस्ट पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।